वेलकम टू न्यू एक्साइटिंग ब्लॉग। जिसको पता नहीं, मेरा नाम जोएल है और मेरा चैनल का नाम देसी ब्राउन बाइकर। तो मैं एक मोटर ब्लॉगर हूँ जो ट्रैवल वीडियोस बनाता है। आज मैंने अमेजोन से एक प्रोडक्ट खरीदा है जिसका नाम है राइनॉक्स एक्वा पाउच। तो ये प्रोडक्ट का ओपनिंग अभी मैं करने वाला हूँ और ऑनेस्टली स्पीकिंग राइनॉक्स का ये सेकेंड प्रोडक्ट है। मेरे पास राइनॉक्स का एक ग्लव्स भी है। ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पे हमारा जो स्टफ है, फॉर एग्जाम्पल कैमरा, बैटरी, मोबाइल वगैरह वगैरह, स्पेशली वॉलेट एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ बाइक, दैट नीड टू बी केप्ट ड्राई। तो ये जो राइनॉक्स का पाउच है ये काफ़ी ड्राई रखता है, सुनने में है। तो आज हम चेक भी करेंगे और साथ में आपको एक ऑन राइड एक्सपीरियंस भी देंगे, अगर बारिश हुआ राइड पे तो ये परफॉर्म कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, ये है प्रोडक्ट राइनॉक्स का एंड काफ़ी अच्छे से पैकिंग हो चुका है, तो लेट्स गो अहेड। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आप देख रहे हो मैं पैकेज को अभी ओपन कर रहा हूँ। काफ़ी मजबूत पैकिंग हो चुका है राइनॉक्स की तरफ से। ठीक है, तो मुझे ये जो ब्रांडिंग है ना राइनॉक्स वाले लोग डाल के देते हैं, मुझे काफ़ी पसंद है यार। मतलब बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। ओके, सो इस पैकेजिंग को नीचे रख देते हैं और लुक्स लाइक उन लोग ने एक थैली में इसको रखा है, प्लास्टिक बैग में। गवर्नमेंट बोलता है प्लास्टिक बैन है, लेकिन ठीक है। ये है वो पैकेज, वो प्रोडक्ट जो मैंने अमेजोन से मंगाया है। तो वील गो अहेड एंड डू अ क्विक ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द पॉकेट्स, अबाउट द स्ट्रैप्स, अबाउट द जिप्स, अबाउट द वेस्ट, कम्फर्ट वाइज की इज इट वर्थ बाइंग दिस प्रोडक्ट और नो। फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, बहुत ही रफ एंड टफ लगता है। बकल्स जो आप देख सकते हो यहाँ पे, काफ़ी स्टर्डी लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइड पे हो और ग्लव्स से आप ट्राई कर रहे हो, मैनेज कर पाओगे ईजिली। जो मटेरियल है मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। यस, दिस रियली लुक्स नाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जैक्टली व्हाट वी सी इन द फर्स्ट प्लेस। यहाँ पे आपको राइनॉक्स के स्टिकर्स मिल जाएगा, यहाँ पे उनका प्रोडक्ट डिटेल्स, बार कोड, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट कोड। आप स्कैन करोगे इस कोड को और फिर डिटेल्स और भी जान सकते हो। सो गाइज, मूविंग अहेड, यहाँ पे जो वेस्ट बकल है, जो वेस्ट पे आपके लगता है, ये भी काफी स्टर्डी लगता है मुझे। सो यू कैन अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ दैट क्लिक, दैट दिस विल सर्टनली डू द जॉब। सेकेंडली, वेस्ट पे ही यहाँ पे आपको और एक जिप मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आपका बाइक का कीचेन रखना है या कुछ छोटे मोटे चीज रखना है तो दिस स्पेस कैन बी सर्टनली ऑक्यूपाइड। देयर इज अनदर स्मॉल पॉकेट आउट हियर, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी छोटा मोटा चीज रखना है, फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट चाहिए या फॉर एग्जाम्पल आपका एक दवाई है लेना है खाने के बाद राइड के दौरान, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो। यहाँ पे एक पॉकेट भी है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हो, मिनी वाटर बॉटल जो 10 रुपए का मिलता है। एंड यहाँ पे भी एक वाटर बॉटल का आई थिंक पाउच दिया है जो आप देख सकते हो, मैं जैसा खोल रहा हूँ उसको, एक बटन है एंड ये और भी एक्सटेंड होता है यहाँ पे। यस, दिस सर्टनली लुक्स लाइक अ बिगर बॉटल। तो अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो आपको एक बड़ा बॉटल कैरी करना है, तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग दैट बॉटल और कैरिंग इट अराउंड योर नेक जैसे स्कूल में कैरी करते हैं, आप यहाँ पे भी उसको डाल सकते हो। राइनॉक्स का ब्रांडिंग यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, प्लास्टिक में कवर्ड है फिलहाल, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ लूप्स दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपको आपका बाइक का कीचेन टांगना है या टॉप बॉक्स का कीचेन टांगना है तो यहाँ पे आप टांग सकते हो। यहाँ पे मुझे एक और एक वाटर प्रूफ पाउच दिख रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपका डॉक्यूमेंट्स रखना है तो आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेस। मोबाइल रखना है, बारिश आ गया और आपको क्विकली कुछ अंदर रखना है इसके, यू डोंट हैव टू गो एंड ओपन दिस एंटायर बैग, यू कैन डायरेक्टली कीप इट इन दिस। एंड मूविंग अहेड फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक बकल है जो मैं खोलता हूँ एंड दिस थिंग इज क्वाइट बिग। तो एक बड़ा सा आप बोल सकते हो एक बड़ा सा पाउच है, यहाँ पे एक वेलक्रो है, वेलक्रो को मैं खोल रहा हूँ एंड काफ़ी बहुत इनफैक्ट ज़्यादा स्पेस लग रहा है मुझे। एंड ये क्लेम करते हैं राइनॉक्स कि ये पूरा वाटरप्रूफ है, तो अगर आप आपका सामान लाइक मोबाइल, कीज, डॉक्यूमेंट्स, पोर्टेबल चार्जर, गोप्रो,
एनी एक्शन कैमरा एग्जैक्टली अगर आपको यहाँ पे डालना है, बारिश डालोगे और आपको सेफ रखना है, अगर आप डेली कम्यूट करते हो या आप ट्रैक करते हो, आप मोटर व्लॉग करते हो, राइड करते हो, आप ट्रैवल करते हो ड्यूरिंग मनसून, सो एंड नॉट ओनली मनसून एनी सीजन ड्यूरिंग द ईयर, तो आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन। सो मूविंग हेड, ये पार्ट पे हम लोग जरा बाद में आते हैं। देयर इज अनदर पाउच, अनदर जिप आउट हियर, सो आई कैन सी दैट इट्स क्वाइट स्पेशियस, तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे रख सकते हो, देयर इज अनदर वे ऑफ कीपिंग इट आउट हियर, मोबाइल रख सकते हो, पोर्टेबल रख सकते हो। तो मेरे पास कुछ चीज़ें जो मैं नॉर्मली राइड पे कैरी करता हूँ, तो मैं वो चीज़ें इसके अंदर डालने वाले और आपको दिखाने वाले सब फिट हो गए कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो वैसे भी मेरे सब्सक्राइबर काउंट चैनल पे कम है, लेकिन मेरे व्लॉग का बजट बहुत ज़्यादा है, इसलिए कॉस्ट्यूम चेंज, टी शर्ट चेंज। तो गाइस अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, ये है राइनॉक्स का पाउच और इसके अंदर मैं कुछ सामान डालने वाला और आपको दिखाने वाला कि बॉस ये कितना होल्ड कर सकता है या इसका कैपेसिटी कितना है। तो स्टार्टिंग ऑफ विथ, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक जिप है, बाइक डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस, पीयूसी, ये मैं इसको प्लास्टिक बैग में रैप करता हूँ बारिश की वजह से, एंड मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ सामान आ सकते हैं बिकॉज देयर इज सम स्पेस ओवर। सो टॉकिंग अबाउट द पाउच, द ड्राई पाउच, यहाँ पे बहुत स्पेस है, तो वील फर्स्ट गो विथ सम नेसेसरी आइटम्स। दिस इज माई sunglasses, my wallet which will again go inside here, full sized Samsung Galaxy Note 9, GoPro with the entire setup for motor vlog, GoPro battery case, my BlueTack which I use just in case if it rains, this is my headband which I use normally for trekking or possibly if in case I am doing some adventure sports. So ye sab andar dal diya maine, I am closing the pouch, so yahan pe isko is tarah se फोल्ड करते हैं, ठीक है, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे एक बकल है, यहाँ पे एक बकल है, दोनों को कनेक्ट करके दैट्स इट। एंड ये ऊपर का जो फोल्ड है इसको इसे करके यहाँ पे जो बकल है इसे हम यहाँ पे दैट्स इट। सो यू ऑल सेट, दिस इज हाउ द एक्वा पाउच विल लुक पोस्ट केप्ट ऑल योर स्टफ इनसाइड, ठीक है। तो गाइस सो फार इट्स गुड, एक काम करते हैं राइड पे जाते हैं, ठीक है, राइड पे जाने के बाद आपसे बात करते हैं, चलो। ओहो फ्रेंड्स, इसी साथ तेज बारिश शुरू हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ने लिया है एक छोटा ब्रेक, मैंने बोला था कि मैं एक छोटा सा रिव्यू करूंगा राइड पे मेरे राइनॉक्स वेस्ट बैग या एक्वा पाउच का, जिसमें मैंने कुछ मेरे इक्विपमेंट डाले हैं, तो लेट्स सी अगर वो ड्राई है कि वेट है, तो वी विल गेट टू नो राइट नाउ। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द पाउच एंड आई वाज वेयरिंग दिस एंटायर टाइम ऑन माय वेस्ट, तो लेट्स गो अहेड एंड ओपन दिस एंड चेक। जैसे आप देख सकते हो बाहर से थोड़ा गीला है, एंड दिस इज अनदर बकल ओवर हियर, सो मैं इसको खोलता हूँ, एज यू नो देयर इज अ वेलक्रो, सो लेट्स गो अहेड एंड सी। ओके, सो वॉलेट कंप्लीटली ड्राई, ओके, सेकेंडली some of my equipments, this is also completely dry, so overall I guess guys even these BlueTack that I normally carry for my GoPro, this is also dry. Overall feedback friends, stuff in this echo pouch remains dry, so I do recommend this on the ride, and off road bahut kiye the hum log ne, bahut rain hua tha, bahut barish hua tha, so once again let's get back to the house and ek final review ya final you know verdict दूंगा मैं। थैंक यू। ऑलराइट, सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू गाइस हैव वॉच्ड दिस व्लॉग फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड सेकंडली दिस एंटायर व्लॉग वाज जस्ट टू इन्फॉर्म यू दैट आई रिसेंटली बॉट दिस एक्वा पाउच फ्रॉम राइनॉक्स, एंड इट हैज वर्क्ड रियली गुड ऑन माय राइड एज वेल, सो इट हैज केप्ट थिंग्स ड्राई इन इट, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इट सर्व्ड द पर्पस। देयर आर अदर ब्रांड्स इन द मार्केट, सो इफ इन केस यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर योर ऑप्शंस फर्स्ट, go ahead and do that, but I will surely recommend this particular product that I purchased from Inox. Not only because it is quite comfortable while riding, but what I normally do is if in case I normally wear a waist pouch and that bag remains over here, if I'm on the saddle I take it behind all the way and I rest it on the pillion seat, so I don't have any issues or it does not interrupt my riding position when I'm riding on the bike.
So I found it very convenient. Secondly, it does have a lot of amount of storage space. So it did help me a lot to store more items inside. And secondly, I found the material quite rugged. If you have not seen that, I'll be posting a vlog as well for the recent ride, that's the Kalu waterfall. I did fell off the bike as well. So it was still on my waist, and there was nothing broke, no buckles broke. There was just some mud on the particular waist pouch. So guys, that's it. I hope that you like this vlog. I hope that it was a bit 10% informative that will help you make a decision of what type of waist pouch you need to buy. It's not only for monsoons, but also basically for other seasons that we have in India. Guys, I'll go ahead and end the vlog, and do whatever you want to do, but do what makes you happy, because agar aap khush nahi ho, to fayda hi kya hai. Signing off, friends. Have a lovely day.